तो क्वेश्चन नंबर वन है कि इन ए ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रेंगल है जो बी पर 90 डिग्री है और ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अब बी सी है 7 सेंटीमीटर, तो हमको साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा राइट एंगल ट्रेंगल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, एंगल बी 90 डिग्री है, ये है हाइपोटेनियस, ए सी है हाइपोटेनियस, और अगर इस एंगल को हम मेंशन लें, इस एक्यूट एंगल को, तो इसके सामने का जो साइड है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और अगर इस एंगल को अगर हम मेंशन करें तो इसके सामने का जो साइड है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। मीन्स राइट एंगल ट्रेंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइट, ये तीन चीज़ होता है, और हाइपोटेनियस जो है वो राइट एंगल ट्रेंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है। हाइपोटेनियस वो लॉन्गेस्ट साइड कहलाता है किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल का, समकोण त्रिभुज का, और ये चीज़ हाइपोटेनियस फिक्स रहता है। परपेंडिकुलर और बेस यह वेरी करते रहता है, जैसे कि इस एंगल को लिए तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस हो गया ये, और इस एंगल को मेंशन करेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये और बेस हो जाएगा ये। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको एसी निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको सबसे पहले हमको एसी निकालना है। तो एसी निकालने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय को यूज करना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमको यहाँ पर ए सी का वैल्यू निकालना है। तो क्या करना होगा कि ए बी और बी सी का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू है 24 और बी सी का वैल्यू है 7। तो इसको सॉल्व करते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 24, तो ये हो गया 576, ये 49। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625, देयरफॉर ए सी ये जो वैल्यू होगा अंडर रूट 625, और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा ये 25। इस तरह से ए सी का जो वैल्यू आया वह 25 सेंटीमीटर आया। अब हमको निकालना है यहाँ पर साइन ए, तो अब यहाँ पर देखेंगे उसी कॉन्सेप्ट को जो अभी जस्ट बताए। तो साइन ए का हमको निकालना है, मीन्स इस एंगल को लेना है, तो इस एंगल के सामने का जो साइड है मीन्स ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो पी बाय एच, तो इस एंगल के सामने का जो साइड है ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब बी सी और बाय एच, एच मतलब क्या, ए सी, बी सी बाय ए सी। तो बी सी का वैल्यू 7 और ए सी का 25, एक वैल्यू हो गया साइन ए का 7/25। अब कॉस ए का हमको वैल्यू निकालना है, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बाय एच। अब चूंकि इसी एंगल को लेना है तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो इसका मतलब ये बेस होगा। तो कॉस ए इज इक्वल टू बी बाय एच, तो बी यहाँ पर क्या हो गया, ए बी, और हाइपोटेनियस हो गया ए सी। तो ए बी का वैल्यू 24 और ए सी का वैल्यू है 25। तो इस तरह से कॉस ए का जो वैल्यू आया वह आया 24/25। अब क्वेश्चन नंबर टू की ओर हम लोग देखते हैं, साइन सी और कॉस सी, तो साइन सी का कितना, तो साइन सी क्वेश्चन नंबर टू है ये, साइन सी। अब हम लोग देख रहे हैं
इस एंगल को ले रहा है, ये वाला एंगल को, तो इसके इस एंगल के सामने का जो साइड है मीन्स ए बी, यह हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, और यह बेस और हाइपोटेनियस तो ये ए सी है ही। तो हमको साइन सी निकालना है, तो साइन सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बाय एच। तो इसके सामने का जो साइड है पी वह है ए बी, और हाइपोटेनियस है इसका ए सी। तो ए बी मीन्स 24 बाय 25। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉस सी का वैल्यू को फाइंड करना है। तो साइन सी जैसे निकाल दिए, तो अब कॉस सी क्या होगा, कॉस सी, तो कॉस सी इज इक्वल टू, फिर इसी एंगल को हम जब ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बी सी हो जाएगा हमारा बेस। तो कॉस सी इज इक्वल टू बी बाय एच, बी बाय एच, तो इसका बी मीन्स बेस हो गया बी सी, और हाइपोटेनियस हो गया इसका ए सी, तो 7/25। इस तरह से साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कि यह एक फिगर दिया हुआ है हमको, पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें से कि ये जो एंगल क्यू है यह 90 डिग्री है, और इसका जो हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर है। हमको जो इसका वैल्यू फाइंड करना है वो क्या करना है, कि टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर भी इसके लिए ज़रूरी है कि हमको इस क्यू आर का वैल्यू को फाइंड करना होगा पहले। तो क्या करेंगे इसमें, कि यहाँ पर इसका पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी हम अप्लाई करेंगे, तो पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। चूँकि हमको क्यू आर का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो अब यहाँ पर पी आर और क्यू आर का, सॉरी पी आर और पी क्यू का वैल्यू पुट कर देना है, तो क्यू आर इज इक्वल टू, तो पी आर का है 13 और पी क्यू का है 12, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। तो क्यू आर इज इक्वल टू, तो इसको माइनस करेंगे 9 में 4 या 5, आइए 25। देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू रूट 25 इज इक्वल टू 5। इस तरह से क्यू आर का जो वैल्यू आ गया वह 5 सेंटीमीटर वैल्यू आया। अब हमको यहाँ पर टेन पी निकालना है और फिर कॉट आर का वैल्यू को निकालना है। तो टेन पी का वैल्यू कितना होगा, तो पहले हम तो इस एंगल को निकालेंगे टेन पी। अब जैसे इस एंगल को ले रहे हैं, तो इस एंगल के सामने का जो साइड है इसके लिए यह हो गया परपेंडिकुलर, यह तो हाइपोटेनियस है ही, इसका मतलब ये हो गया बेस। तो टेन पी का वैल्यू, टेन पी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है इसका पी बाय बी। तो इसके सामने का साइड है परपेंडिकुलर क्यू आर और बेस हो गया इसका पी क्यू, परपेंडिकुलर क्यू आर बाय पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू है 5 और पी क्यू का है 12। तो टेन पी तो निकाल दिए, अब कॉट आर का वैल्यू को फाइंड करना है। तो कॉट आर अब इस एंगल को हम ले रहे हैं, इस एक्यूट एंगल को, तो इसके सामने का जो साइड है यह हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर, और यह हो जाएगा बेस, हाइपोटेनियस तो इसका यही है ही पी आर। तो कॉट आर का फॉर्मूला होगा बी बाय पी। तो बी
इस एंगल को जब ले रहे हैं तो बी इसका हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर अब बाय पी, तो पी मीन्स यहाँ पर पी क्यू। अब वैल्यू पुट कर देना है, क्यू आर का वैल्यू 5 और पी क्यू का 12। तो हम देख रहे हैं कि टेन पी का भी वैल्यू आया 5/12 और कॉट आर का भी वैल्यू आया 5/12। और हमको निकालना है यहाँ पर टेन पी माइनस कॉट आर, तो क्या होगा टेन पी माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 5/12 और माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो साइन ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच, और हमको दिया हुआ है कितना 3/4। चूँकि यह रेशियो में दिया हुआ है इसलिए हमको क्या करना होगा, लेट करना होगा के लेट। तो पी इज इक्वल टू 3k और एच इज इक्वल टू 4k। हमको यहाँ पर बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो एच स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हमको निकालना है बी का वैल्यू, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देयरफॉर बी इज इक्वल टू स्क्वायर है इधर, तो यहाँ पर राइट साइड में आके इस पर अंडर रूट हो जाएगा। अब वैल्यू हमको पुट कर देना है h का, तो h का है 4k, तो 4k मीन्स 16k स्क्वायर, और p का है 3k, तो 3k इंटू 3k 9k स्क्वायर। देयरफॉर p इज इक्वल टू 7k स्क्वायर अंडर रूट, तो b का जो वैल्यू आया रूट 7k। मीन्स अगर हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करें, राइट एंगल ट्रायंगल का एक फिगर ड्रॉ करें और ये ए बी सी मेंशन करें, तो यहाँ पर अगर इस एंगल को लें तो ये है इसका 3k और ये है 4k। पी बाय एस तो P है 3k और H है 4k। ये जो बेस जो हम निकाले तो बेस इसका आया रूट 7k। चूँकि हमको इस एंगल को मेंशन करना है साइन ए, तो इस एंगल के सामने का जो साइड होगा BC यह इसके लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर, और यह तो हाइपोटेनियस है ही, ये AB बेस हो गया। तो हमको अब निकालना क्या कॉस ए, तो कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कॉस ए बी बाय एच। तो इस एंगल को हम ले रहे हैं बी सी तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब बेस हो गया हमारा ए बी और हाइपोटेनियस हो गया ए सी। अगर हम वैल्यू पुट करें ए बी बाय ए सी, तो ए बी है रूट 7k और ए सी है 4k। तो इस तरह से कॉस ए का जो वैल्यू आया वो रूट 7/4। नेक्स्ट है टेन ए का वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए, तो टेन ए तो चूँकि इस एंगल को ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर भी ये इसका P हो जाएगा और ये B, तो tan A का फॉर्मूला होता है P बाय B। तो P बाय B मतलब क्या कि BC बाय AB। अब BC का वैल्यू है 3k और AB का है रूट 7k, तो इस तरह से 3/√7 इस टेन ए का वैल्यू फाइंड हुआ।
हमको यहाँ पर इसी कॉस ए और टेन ए का वैल्यू को फाइंड करना था, जो कि हमने कर दिया। कॉस ए का वैल्यू आया रूट सेवन बाय फोर और टेन ए का वैल्यू आया थ्री बाय रूट सेवन। क्वेश्चन नंबर फोर है, गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। तो क्या है गिवन? गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। तो कॉट ए कितना हो जाएगा? कॉट ए इज इक्वल टू 8 बाय 15। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट ए इज इक्वल टू बी बाय पी इज इक्वल टू 8 बाय 15। चूँकि हमको यहाँ पर ये रेशियो में दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी के लेट कर लेंगे। तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू 8 के एंड पी इज इक्वल टू 15 के। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर हाइपोटेनियस निकालना है, इसका एच निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू पी का जो वैल्यू है, पी का है 15 के, तो 15 के होल स्क्वायर, तो 225 के स्क्वायर प्लस 8 के होल स्क्वायर मीन्स 64 के स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू, अगर हम इसको प्लस करें तो 549 मीन्स 289 के स्क्वायर। अब एच का जो वैल्यू आया वह 17 के। अब यहाँ पर देखते हैं कि एच का वैल्यू हुआ 17 के और कॉट ए है 8 बाय 15, मीन्स क्या कि बी है 8 के, 8 के और पी है 15 के, 15 के। क्योंकि कॉट ए को यहाँ पर कॉट ए एक्यूट एंगल को मेंशन किया गया, तो इसके सामने का जो साइड है ये हो गया इसके लिए पी और ये हो गया बी। तो एच हो गया इस तरह से 17 के। हमको निकालना है अब साइन ए का वैल्यू। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो पी बाय एच। तो पी, अब इस एंगल के सामने का साइड कौन सा है, बी सी, तो बी सी हो गया इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या हो गया इसका, ए सी। तो अगर वैल्यू हम रख दें यहाँ पर बी सी का है 15 के और ए सी का है 17 के, तो इस तरह से साइन ए का जो वैल्यू आया वह 15 बाय 17 आया। साइन ए इज इक्वल टू 15 बाय 17। नेक्स्ट है सेक ए। तो सेक ए का भी वैल्यू हम निकालते हैं, तो सेक ए का फॉर्मूला होता है एच बाय बी, मीन्स कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक ए को हम लिखेंगे सेक ए का जो फॉर्मूला होगा वह होगा एच बाय बी। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस तो है ए सी और बेस तो हो गया इसका ए बी, तो 17 के बाय 8 के। तो सेक ए का जो वैल्यू आया सेक ए 17 बाय 8, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बाय 12। ये है थीटा। तो सेक थीटा गिवन क्या है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बाय 12। चूँकि हमको रेशियो में दिया हुआ है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा एच बाय बी इज इक्वल टू 13 बाय 12। हम इसको भी क्या करेंगे के लेट कर लेंगे। क्यों लेट कर लेंगे,
क्योंकि हमको 13/12 ये हमको रेशियो में दिया हुआ है। तो sec थीटा, तो h क्या हो गया यहाँ पर 13 के और बेस हो गया 12 के, तो हाइपोटेनियस h है 13 के, और चूंकि इस एंगल को ले रहे हैं तो ये तो परपेंडिकुलर है p, इसका मतलब ये क्या है बेस, और बेस कितना है 12 के। तो हमको वैल्यू जो पहले फाइंड करना है, पहले फर्स्ट में तो परपेंडिकुलर का वैल्यू को निकालना है। तो p इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का हमको दिया हुआ है 13 के, तो 13 के होल स्क्वायर माइनस 12 के होल स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू आएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। तो इसको माइनस करेंगे तो 25 के स्क्वायर। तो पी का जो वैल्यू आया ये 5 के, मीन्स पी का जो वैल्यू है ये जो फाइंड हुआ 5 के। अब हमको क्या करना है, ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पर sec थीटा हो गया, हमको cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, cos थीटा का। तो cos थीटा का क्या होता है, cos थीटा का b बाय h, तो b हो गया इसका bc और हाइपोटेनियस हो गया इसका ac। तो 12 के बाय 13 के, तो ये हो गया 12 बाय 13। cos थीटा का वैल्यू फाइंड हो गया, sec थीटा का तो दिया हुआ था, और sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो sin थीटा का क्या होता है p बाय h। sin थीटा का निकालते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। तो परपेंडिकुलर इसका है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी, तो ए बी का हुआ 5 के और ए सी का 13 के। तो इस तरह से साइन थीटा का वैल्यू आया 5/13, कॉस थीटा का आया था 12/13, टेन थीटा का, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है इसका ए बी और बेस है बी सी, तो 5 के अब बाय 12 के। तो इस तरह से टेन थीटा का जो वैल्यू आया वह 5/12 आया। अगर कॉसेक थीटा का हमको निकालना हो तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉसेक थीटा आता है 1/sin थीटा और sin थीटा का वैल्यू 5/13 आया, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 13/5 होगा। तो कॉस हो गया, साइन हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया। अब कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा, हालांकि इसका भी फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, बट हमको इस फॉर्मूला को यूज करना, इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बी बाय पी। अब बी है इसमें बी बी सी बाय ए बी, तो बी सी का वैल्यू है 12 के और ए बी का है 5 के। तो इस तरह से 12/5 कॉट थीटा का जो वैल्यू आया वह आया 12/। क्वेश्चन नंबर 6 है,
हमको दिया हुआ है क्या चीज़ कि ए और बी जो है दोनों एक्यूट एंगल है और कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी ये गिवेन है, तो हमको प्रूफ करना है मतलब दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल होगा। तो कॉस ए क्या होता है फॉर्मूला बी बाय एच। तो अगर हम इस एंगल को लें तो इस एंगल के सामने का जो ये साइड है बी सी ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और होता क्या है तो बी मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूस तो इसका बेस क्या हो जाएगा ए सी और हाइपोटेन्यूस इसका क्या हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ए बी। वहीं अब दूसरी ओर अगर इस एंगल को लें कॉस बी इस एक्यूट एंगल को तो कॉस बी इज इक्वल टू इसका ये भी तो बेस मींस अगर इस एंगल को हम लें तो ये तो हो गया इसका परपेंडिकुलर ये हो गया इसका बेस मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस तो बी सी अपॉन ए बी। पर हमको क्वेश्चन में दिया है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी हमको ये गिवन है। तो कॉस ए का वैल्यू क्या है ए सी बाय ए बी और कॉस बी का बी सी बाय ए बी। इस तरह से देखते हैं कि डिनोमिनेटर में दोनों ए बी है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी मीन्स ये ए सी और ये बी सी दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब ये कि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों इक्वल हो गया। हैंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूव्ड। इस तरह से एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में 7 नंबर से आगे 8, 9, 10 जहाँ तक भी होगा उसका सॉल्यूशन कर देंगे।